अब दूसरा टॉपिक आता है मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल का जो रिएक्शन है वह ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है, तो वो देखेंगे। ठीक है, मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मींस दैट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड बेसिक। ठीक है, याद रखिएगा व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड इन बेसिक। कोई दिक्कत? हेलो यस सर। अब सभी शांत हो जाइए, कोई नहीं बोलिएगा। जैसे एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो फॉर्म किया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड इट इज कॉल्ड बेसिक इन नेचर। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वह मेटल ऑक्साइड बनाएगा। When metal react with oxygen, it form metal oxide. मैंने displacement reaction में बताया था, those reaction in which one elements displace other elements in a reaction that is called displacement reaction. अब इसमें मैं बता रहा हूँ, metal react with oxygen में, when metal react with oxygen, it form metal ऑक्साइड। किन्हीं को कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2Al रिएक्ट विथ 3O2 गिव्स 2Al2O3। व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो यह फॉर्म किया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सिंपली में व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऑलवेज रिमेम्बर, जब मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वह मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ गैस। जब ऑक्सीजन O2 मेटल के साथ रिएक्ट किया तो यह बनाया एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाया? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ऑलवेज रिमेम्बर when metal react with oxygen to form metal oxide. This is the reaction of metal with oxygen to form metal oxide. Any doubt? No, sir. अब आता है next example, मैं देता हूँ Mg plus O2 gives 2MgO. When magnesium is a type of metal, react with oxygen to form magnesium oxide. ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया, ये भी एक प्रकार का मेटल है और ये ऑक्सीजन है। जब यह दोनों रिएक्ट किया या क्या चीज का फॉर्म किया? मेटल ऑक्साइड का, मैडियम ऑक्साइड का। है रखना पड़ेगा व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एनी डाउट सर? ऊपर वाला रिएक्शन नहीं समझ में आया सर।
ऊपर वाला में एक एल्युमिनियम एलिमेंट्स है, दूसरा ऑक्सीजन है। जब यह दोनों रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ ऑक्सीजन। व्हेन मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट देन इट्स प्रोडक्ट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो सर ओ थ्री कैसे आ जाएगा? ओ थ्री कैसे आ जाएगा? देखिए Mg एक मेटल और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो MgO हुआ, ठीक है। सर टू कहाँ गया सर? हाँ देखिए यहाँ पे O के साथ टू लगा हुआ है। यस इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंसी याद रहना होगा। बैलेंसी समझते हैं? इसका सर इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग हो गया। आपको तीन चीज याद रखना होगा, एटॉमिक नंबर, बैलेंसी और एटॉमिक मास। तो यहाँ क्या हुआ, ये ऑक्सीजन आप हमेशा जानते हो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वह हमेशा अपने साथ टू एटम को कंटेन करता है। तो इसमें दो एटम इसके साथ मिले हुए हैं। जब इसके साथ दो एटम मिले लेकिन इस मैग्नीशियम के पास कोई भी एटम अवेलेबल नहीं है और ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो MgO बनाएंगे, तो ये बैलेंस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे टू एटम है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन का एटम नहीं है। अगर ऑक्सीजन का एटम पुराते हैं यहाँ हम टू डाल के टू MgO, तो टू मैग्नीशियम का भी एटम हो गया, टू ऑक्सीजन का भी एटम हो गया। अब टू मैग्नीशियम का हो गया लेकिन यहाँ टू मैग्नीशियम का एटम नहीं है, तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ टू डाल दिए। अब देखिए यहाँ टू का भी हो गया और ओ टू का भी टू एटम हो गया, अब टू MgO का भी टू हो गया, अब पुड़ गया। यस अब ये पुड़ गया, तो इसी को क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन। क्या कहते हैं? बैलेंस इक्वेशन। उसके लिए आपको बैलेंसी मस्ट है, याद रखना ही होगा, ठीक है। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यह लाइट प्रोड्यूस करता है, हेवी लाइट, ठीक है। कोनो दिक्कत सर? ऊपर वाला का समझाइए ना सर, ऊपर में थ्री कैसे आ जाएगा? वो भी आपको इसी के बैलेंसी के ही बेसिस पे आया है और ये आप जब तक बैलेंसी याद नहीं करोगे तब तक हम नहीं बताएंगे, ठीक है। यस कोई दिक्कत? नो सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए तो ये रिएक्शन आपको समझ में आया? तो मैंने दो रिएक्शन अभी बताया है, रिएक्शन अभी मैंने दो रिएक्शन बताया है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन विथ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्शन आप अच्छे से रिमेम्बर करके सभी चीज करके आप, कोई दिक्कत? चलिए सभी अपना अपना होमवर्क दिखाइए क्विक।
प्लीज शो मी योर होमवर्क. तो नहीं बनाया, ग्रुप में नोट ही डाल देंगे, देख लीजिएगा. कल वाला? यस मेघा, यस सर बनाए हैं. ज्योति पांडे, वेरी नाइस. अथिका, एक मिनट ज्योति, आप ये तो नहीं कर दिए हो एटॉमिक नंबर लेके उसी को स्क्वायर कर दिए हो? ऐसा नहीं तो देखी नहीं रहा सर. क्या क्या सर? एटॉमिक नंबर लेके उसी का स्क्वायर नहीं ना किए हो? नहीं, ठीक है, चलिए ज्योति आपका ठीक है, चलिए. वेल डन. एंड अर्नब किशोर, अर्नब किशोर, अविनाश बाबा, ठीक है, ठीक है. देखिए वैल्यू अगर नहीं भी पुट करते 2n स्क्वायर वाला, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 2n स्क्वायर करके निकलता है इच ऑर्बिट का वैल्यू, ठीक है? यस सर. 29 कुमारी सर, 29 और 13 जब एटॉमिक नंबर पे आया तो उसमें सर तीन बॉन्ड से नहीं हो रहा था. चार लगाया, सही है सर? हाँ ठीक है सर. हाँ चार लगाए तो चार चौथा ऑर्बिट का कितना वैल्यू आया? दो, एक दो. चौथा ऑर्बिट का कितना वैल्यू आया सर? वही फॉर्मूला डाले तो 32. ठीक है तो सर हमको भी बता दीजिए ना, हम नई क्लास करते सर. हाँ तो अब उसके लिए हम आपको बताएंगे, लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा. तो अभी जो दीदी सब बनाई वो वाला? हाँ वही का लेक्चर मैं भी बात कर रहा हूँ. आप ही बता देंगे तो ज्यादा. लेक्चर वहाँ बताए हुए हैं, कल गला फाड़ फाड़ के बताए थे, कल देख लीजिएगा ना अच्छे से. हाँ रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कर लीजिएगा, तब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता चलेगा या नशा नहीं चलेंगे, ठीक है? यस ओके, थैंक यू फॉर टुडे. लिव करें? नहीं रुको भैया, भैया